सो हे गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौसीफ टेक में। तो गाइज, जैसे कि मालूम है आपको, इस तरह का अभी रील्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो चलिए इस तरह का हम रील्स वीडियो एडिट करना सीखते हैं। तो गाइज, यहाँ से हमने VN ऐप को ओपन करेंगे, फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो गाइज, आ जाएंगे अपने गैलरी में। गैलरी में आने के बाद यहाँ से हमें दो वीडियो का ऐड करना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपने दोनों गोल्फ वाले वीडियो को ऐड करके फिर से एरो के आइकन में क्लिक करेंगे। एरो के आइकन पे क्लिक करने यहाँ पे कुछ देर तक प्रोसेसिंग होता है। चलिए यहाँ से हम वेट करते हैं, फिर से आ जाएंगे अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। फ़ोन के स्क्रीन पे आने के बाद में गाइज हम एंड में आएंगे, जो हमारा ब्लैक स्क्रीन वीडियो है इस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्लाइड करेंगे और डिलीट हो जाएगा। फिर से गाइज हम अपने प्लस के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन में क्लिक करने गाइज हमने वीडियो फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोटो में आने के बाद अपने गैलरी में से दो फोटो को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से अपने दो फोटो को यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तब तक आप वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइज यहाँ से फिर से हम अपने एरो के आइकन पे क्लिक करेंगे। तो गाइज आ जाएंगे अपने VN ऐप में। तो गाइज यहाँ से अपने फोटो पे कुछ देर तक टैप करेंगे, उसके बाद अपने फिंगर की मदद से इसे फोटो को सेकंड पे ले लेंगे। उसके बाद हम गाइज ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और 9.16 के यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम गाइज यहाँ पे स्टार्टिंग में आएंगे और अपने वीडियो के यहाँ पे म्यूज़िक म्यूट कर देंगे। म्यूट करने के बाद यहाँ पे हम टॉप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने बाद अपने वीडियो में यहाँ पे म्यूज़िक ऐड करें तो म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे। फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आज इस वीडियो को हमें यहाँ पे म्यूज़िक चाहिए, उस वीडियो को यहाँ से लेके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज यहाँ से आप अपने म्यूज़िक को चूज़ कर लेंगे। तो मैं अपने बीट को यहाँ पर लगा के रखा है म्यूज़िक को, इस म्यूज़िक को यहाँ से मैं चूज़ करके फिर से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने म्यूज़िक में कितना पे मैंने बीट लगाया। तो आप देख सकते हैं 4.01 सेकेंड मेरा फर्स्ट बीट है। तो यहाँ से गाइज हम राइट पे कर लेंगे। उसके बाद में मैं गाइज बता दूंगा आपको इनमें कि सेकेंड बीट मैंने कितना पे ऐड किया है। तो यहाँ से राइट पे हम क्लिक कर लेंगे। राइट पे क्लिक करने के गाइज हमने यहाँ फर्स्ट जो वीडियो है, इस फर्स्ट फोटो है, इस फोटो का लेंथ यहाँ पर अपने बीट के बराबर कर देते हैं और इसके लेंथ को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने में गाइज यहाँ पर फिर से हमने सेकेंड फोटो पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अपने फोटो का लेंथ यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। तो अब मैं बता दूँ सेकेंड अब बीट यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.71 सेकेंड पे है। तो अपने यहाँ पे सेकेंड फोटो का लेंथ हम अपने म्यूजिक के अनुसार बढ़ा देंगे और यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा भाग को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद गाइज फिर से हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैक वाला इफेक्ट गाइज हम ले लेंगे। तो चलिए यहाँ से ब्लैक वाले इफेक्ट को लेके हम अप्लाई टू ऑल पे कर देते हैं। तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे कर देंगे और अप्लाई टू ऑल पे करने के बाद गाइज फिर से हम यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे और इफेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। आप एंड में आना है गाइज, यहाँ पे आपको जूम आउट 02 वाले इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस इफेक्ट को यहाँ से हम ले लेंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे। फिर से अपने सेकंड फोटो पे आएंगे, जो हमारा सेकंड फोटो है, तो इस फोटो पे आएंगे। फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन में हम जाएंगे और इफेक्ट वाले ऑप्शन में हम आने में फिर से हम इंड में आएंगे, जो जूम आउट 0.2 वाला है, इसी इफेक्ट को ले लेंगे। फिर से राइट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज फिर से हम नीचे आपको यहाँ पर जूम वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इसे ले लेंगे और यहाँ पे जूम आउट वाला इफेक्ट दिख रहा है, इसे लेके अप्लाई टू ऑल पे कर देंगे। तो गाइज यहाँ से हमारा वीडियो हो गया रेडी। आप वीडियो लाइक कर दो, मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब कर घंटी भी ऑल पर प्रेस कर देना, तो आप वीडियो देखें। तो गाइज वीडियो का ऑल मटेरियल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लें।